हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं अपना अब तक का यूट्यूब एक्सपीरियंस सब कुछ मिला के आप लोगों को 5 टिप्स देने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट रन फॉर सब्सक्राइबर्स। अब लोग कुछ ये करते हैं कि वो बोलते हैं कि 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए जल्दी से जल्दी। यार 1K सब्सक्राइबर्स करके करोगे क्या? If the person who has subscribed to your channel is not gonna watch your videos, then what's the point of having 1K subscribers? अब YouTube में बहुत ऐसे ट्रेंड चलता है सब फॉर सब करने का। अब सब फॉर सब होता क्या है? लोग एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जैसे मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब करा और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। देख, इससे होता कुछ नहीं है, बस आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है। आपका जिस बंदे ने आपका ये चैनल सब्सक्राइब करा है, वो ना आपकी वीडियो देखेगा, ना आपको कोई एंगेजमेंट मिलेगी इस वीडियो में, कुछ प्रॉफिट नहीं होता। ही इज़ लाइक अ डेथ सब्सक्राइबर। तो सब फॉर सब मत करो यूट्यूब में, बिल्कुल भी नहीं। अब हर किसी का एम क्या होता है यूट्यूब में आना? टू अर्न मनी, टू अर्न फेम। अब जिसका नहीं होता उसके पास ऑलरेडी होता है सब कुछ। तो यूट्यूब में चैनल मोनेटाइज करने के लिए टारगेट दिए हुए यूट्यूब ने, 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर। अब दोनों में से टफ कौन सा है? ऑब्वियस है ना, 4000 आर वाला टफ है। तो वाई आर यू रनिंग आफ्टर 1K सब्सक्राइबर्स? 1K सब्सक्राइबर्स जब तक आप 4000 करोगे भी नहीं ना, आराम से हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। ट्यूब बडी। अब ट्यूब बडी क्या है? ट्यूब बडी एक क्रोम एक्सटेंशन है, ये सब डाउनलोड कर लो, बहुत यूजफुल है। मैं भी यूज़ करता हूँ, मैंने भी डाउनलोड कर रखा है। ट्यूब बडी से आपको फ़ायदा क्या मिलता है? अगर आप किसी और के चैनल पे जाओगे तो आपको ट्यूब बडी दिखा देगा कि उसके चैनल में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं इन 28 डेज। और ट्यूब बडी में एक बहुत अच्छा फीचर है कीवर्ड एक्सप्लोरर। अब कीवर्ड एक्सप्लोरर में होता क्या है, आप जो भी अपना टॉपिक डालने वाले हो अपनी नेक्स्ट वीडियो का, वो वहाँ पर सर्च करना, वो आपको पूरा एक ग्राफ टाइप का भेज देगा जिसमें दिखाएगा कि वेदर दिस टॉपिक इज़ गुड और नॉट, वेदर यू आर गोना गेट ऑडियंस और नॉट, वेदर योर वीडियो विल रैंक ऑन दिस और नॉट। इट विल ऑल्सो टेल यू हाउ ऑफन द कीवर्ड्स यू आर सर्चिंग इज सर्च्ड इन यूट्यूब। इट इज़ अ रियली गुड एक्सटेंशन, आई थिंक यू ऑल शुड हैव इट। थंबनेल। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो के लिए। लोग आपकी वीडियोस देखेंगे क्यों अगर उन्हें आपका थंबनेल ही अट्रैक्टिव नहीं लगा? सी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपका थंबनेल। अगर आपके थंबनेल ही अच्छा नहीं है तो कोई आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं। सो मेक अ प्रॉपर थंबनेल, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए पूरा एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी यूज़ करो अपनी थंबनेल बनाने में। यू कैन यूज़ सॉफ्टवेयर्स लाइक फोटोशॉप, अगर फ़ोन में करना है तो यू कैन यूज़ पिक्स आर्ट, और थंबनेल मेकर भी आता है, आप प्ले स्टोर में सर्च करो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन टैग्स। अब आपको पता है यूट्यूब की लिमिट है अराउंड 5000 लेटर्स, वो भी डिस्क्रिप्शन में, और आप डिस्क्रिप्शन में अपने टैग्स डाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था ट्यूब बडी यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप वीडियो आपने बनाई है रिलेटेड टू फोटोग्राफी, आप यूट्यूब में सर्च करोगे फोटोग्राफी, द टॉप वीडियोस आएंगी, आप उनको ओपन करके देख सकते हो कि उस वीडियो में कौन कौन से टैग्स हैं। और ना ही आप देख सकते हो, उन्हें आप कॉपी करके अपनी वीडियो में भी पेस्ट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी। अब ये बहुत चैलेंजिंग है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कंटेंट बनाना और उसे रेगुलरली पोस्ट करना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने मतलब मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया यूट्यूब में, और मैं जब ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ अपने, तो मेरे को 2-3 महीने बाद आते थे, 2-3 महीने बाद आते थे, मेरे को व्यूज़ नहीं मिलते थे, मेरे को वॉच टाइम नहीं आता था मेरा बिल्कुल भी। रिसेंट 20-28 डेज में मैंने कोशिश करी है एक इंटरवल में अपनी वीडियोज़ डालने की, 2-3 दिन बाद मैं न्यू वीडियोज़ डाल रहा हूँ, और मैंने डिफरेंस देखा है। मेरे को जितना पूरे साल में वॉच टाइम नहीं मिला, मेरे को इन 20-28 डेज में मिल गया है। और जितने सब्सक्राइबर्स, मतलब मेरे को 1 साल लगा था करने में, उससे हाफ सब्सक्राइबर्स मेरे पास
आ गए हैं 20 to 28 days में. जितने टोटल व्यूज़ मेरे को एक साल में मिले थे वो मुझे इस एक महीने में मिल गए हैं. आप सोचिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी इज़ द की. तो गाइस, यही था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस, और जितना मैं आप लोगों को बता सकता था मैंने बता दिया है. प्लीज़ इन 5 points में गौर करना, डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो करेगा, डेफिनेटली. सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. जल्दी से लाइक बटन दबा दो यार, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दो. अगर आप लोगों ने तक सब्सक्राइब नहीं करा है, पता नहीं क्यों नहीं करा है, पर जल्दी से कर दो यार. तब तक के लिए सी यू.